जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, सीजीआई चंद्रचूड़ जाति व्यवस्था आरक्षण पर क्यों बोले, क्यों दिया चश्मे वाला उदाहरण। बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आपको बता दें, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा है कि जाति व्यवस्था के चलते न सिर्फ इतिहास में असमानताएं दर्ज हैं, बल्कि आज भी जाति व्यवस्था एक जटिल मसला है। कानून में अंतर्निहित जटिलताएं समाज में इस तरीके के विभाजन को कायम रखती हैं। सीजीआई ने आगे कहा कि आज भी जाति का प्रभाव बना हुआ है और विभिन्न जातियों को आर्थिक अवसरों के रूप में इसका लाभ मिल रहा है। बता दें सीजीआई चंद्रचूड़ ने जोर देकर कहा कि आरक्षण जैसी व्यवस्था जाति आधारित असमानताओं को दूर करने के लिए आशा की किरण की तरह है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ बेंगलुरु में 36वें लोवेसिया सम्मेलन में पहचान व्यक्ति राज्य स्वतंत्रता के नए रास्ते विषय पर अपनी बात रख रहे थे। अपने संबोधन में चीफ जस्टिस ने इस बात पर भी चर्चा की कि कैसे अधिवक्ताओं को स्वतंत्रता पहचान और इसे सीमित करने में राज्य की भूमिका के अंत विरोध का सामना करना पड़ता है। बता दें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि स्वतंत्रता की ऐतिहासिक समझ की सीमाओं को समझना महत्वपूर्ण है। सीजीआई ने आगे कहा कि कोई भी ज्ञान तटस्थ या वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कोई भी ज्ञान वैचारिक रूप से तटस्थ नहीं है, हम स्वतंत्रता के अपने बदले विचार को देखते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि हमारे समाज में अंतर्निहित भेदभाव को दूर करने के लिए हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि लोगों को अलग अलग पहचान में न बांधा जाए। सीजीआई ने भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के सामने आने वाली कठिनाइयों पर भी प्रकाश डाला। सीजीआई ने कहा है कि दिव्यांग लोगों को पात्रता के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने को मजबूर किया जाता है, इससे राज्य द्वारा मानक तैयार करने में समस्या पैदा हो गई है। सीजीआई ने आगे कहा केवल सिस्टम की बाधाओं को दूर करने से ही तमाम मुश्किलें हल हो सकती हैं। सीजीआई चंद्रचूड़ ने उदाहरण देते हुए कहा, मेरे जैसे लोग जो चश्मा पहनते हैं उन्हें दिव्यांग नहीं माना जाता, क्योंकि चश्मा एक ऐसी चीज है जो हर जगह व्यापक रूप से उपलब्ध है। ऐसे लोगों के लिए चश्मा पहनने वालों के लिए अवसरों की कोई भी कमी नहीं है, इसीलिए आत्म पहचान का भेद ऐसा नहीं होना चाहिए जो भेदभाव को बढ़ावा दे। न्यूज 18 की रिपोर्ट।